व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अर्श। तो गाइस, अभी मैं फिलहाल हूं थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक के अंदर। मैं इस रेस्टोरेंट की लाइन में 7 साल से है भाई। मेरे भाई अभी बज चुके हैं रात के 12 और मैं बैठा हूँ बैंकॉक के सुखुमवीत एरिया के अंदर, 111 के अंदर। और बैठने की भी यार मेरी खास वजह है, बिकॉज मैं गया था शूट पे और आज थोड़ा लेट हो गया। और यार हमारे भाई ने यहाँ पे यार बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट ओपन की है और मैं उनको कॉल किया कि भाई आपका रेस्टोरेंट अभी ओपन है कि नहीं है, क्योंकि रात को 12 बज चुके थे ऑलरेडी। तो भाई ने यार बोला आप बिल्कुल आ जाइए, रेस्टोरेंट ओपन है। तो जस्ट मैं मेरा अभी डिनर करने के लिए हूँ रात को 12 बजे बैंकॉक के अंदर। और यार रेस्टोरेंट का नाम बताओ तो इसका नाम है लिटल स्पाइसी। एक्जैक्टली एम्बेसडर होटल है, काफी सारे मेरे भाई जानते हैं एम्बेसडर होटल सुखुमवीत के अंदर 111 के अंदर। बहुत ही फेमस जो होटल है, बहुत बड़ा 3 स्टार एंड 4 स्टार जो प्रॉपर्टी है उसके एक्जैक्टली नीचे में मेरे भाई ने रेस्टोरेंट ओपन किया है। अभी पहली तारीख को ही 1 फरवरी को जब से मतलब टेस्ट एंड को स्कीम चालू हुए तब से मेरे भाई ने रेस्टोरेंट ओपन किया है। तो यार हमारे दोस्त का जमील भाई है, वो रेस्टोरेंट के ओनर है, तो उनका मैं नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर देता हूँ। तो आप उनको कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रेस्टोरेंट के बारे में तो आपको शेयर कर देंगे। बाकी गाइस, अगर आप सुखुमवीत एरिया के अंदर आप रुकते हैं, अगर आपको इंडियन फूड मंगाना है, जैसे कि पंजाबी फूड हो गया, नॉर्थ इंडियन फूड हो गया, चाइनीज फूड हो गया, जो भी आप फूड वेजिटेरियन नॉन वेज आप मंगाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं और आप यहाँ पे आके बैठकर खाना भी चाहते हैं, तो बाइका रेस्टोरेंट ऑलवेज ओपन है। आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं हमारा इंडियन फूड। ठीक है गाइस, थोड़ा मैं आपको रेस्टोरेंट के बाहर का अंदर का भी थोड़ा लुक बता दूं कि यार भाई ने थोड़ा अच्छे से खर्चा करके बनाया है। तो आप उनको पूछ सकते हैं कि कितना खर्चा लगा, जो भी आपको डिटेल दे देंगे भाई। बाकी मैं तो जस्ट आपको रेस्टोरेंट दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा बनाया है और काफी सारे मेरे भाई सोचते हैं रेस्टोरेंट का बिजनेस में आने के लिए। तो भाई को कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या है डिटेल्स, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, बिकॉज उनके दो रेस्टोरेंट है सुखुमवीत 111 के अंदर। पहला जो रेस्टोरेंट है वो है उनका एलॉफ्ट होटल के बाजू में और सेकंड वाला जो अभी ओपन किया पहली तारीख को, फेब्रुआरी की पहली तारीख को, वो है ये वाला रेस्टोरेंट सुखुमवीत 111 एम्बेसडर होटल के एक्जेक्टली नीचे 7-Eleven के बाजू में। जमील भाई और ये है रेस्टोरेंट के ओनर, तो उनसे कुछ पूछते हैं भाई अभी रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है, अभी आपने नया ही ओपन किया है, ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट है अभी आपका। अच्छा चल रहा है, अच्छा है अभी कामकाज। अच्छा, क्योंकि अभी इंडियन टूरिस्ट तो काफी सारे मतलब आना शुरुआत कर दी है ऑलरेडी और नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर काफी टूरिस्ट आएंगे। मैं इस रेस्टोरेंट की लाइन में 7 साल से है। 7 साल से है भाई। मेरे इधर में आपका वेज नॉन वेज साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन पंजाबी खाना मिलता है और प्राइस के हिसाब से खाना भी बढ़िया मिलता है। तो जो भी आएगा थाईलैंड में टूर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आके एक दफ़ा मेरे इधर ट्राई करना। और इस लाइन के बारे में किसी का कोई जानकारी है तो कुछ जानना चाहता है तो कुछ बातचीत करना को चाहता बिल्कुल, तो बिल्कुल पूछ सकता है। तो भाई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यार कोई भी भाई मेरा रेस्टोरेंट के बारे में मतलब कुछ जानना चाहते हैं बिजनेस के बारे में जो फूड की लाइन में, तो यार भाई को यार काफी अच्छा रेस्टोरेंट का मतलब एक्सपीरियंस है, बिकॉज 2 रेस्टोरेंट है उनके सुखुमवीत 111 के अंदर, 2 रेस्टोरेंट है, पहला है एलफ के बाजू में और सेकंड वाला बिल्कुल 111 के स्टार्टिंग में एम्बेसडर के नीचे। और अगर आप सुखुमवीत एरिया के अंदर रुकते हैं, अगर आप इंडियन फूड ऑर्डर करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप इनको जस्ट कॉल करो, आपको डिलीवरी भी आपके होटल में करा देंगे।